हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूपुर आर्ट्स। आज जन्माष्टमी डेकोरेशन का ये सेकेंड वीडियो मैं आपके सामने शो करने जा रही हूँ, जिसमें आज हम कान्हा जी की माखन मटकी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और इस अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कान्हा जी की माखन मटकी बनाने के लिए हम जो हमारे घरों में ये पुराने दिए हैं, जो हम दिवाली डेकोरेशन में यूज़ करते हैं या डेली अपने घरों में पूजा के लिए यूज़ करते हैं, उनको ले लेंगे। और इनके साइड में कॉर्नर्स पे चारों तरफ अच्छे से फेविकॉल लगा के दो दियों को आपस में लगाना है, हमें चिपकाना है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से चिपक गए हैं, और दो मिनट के लिए आप इनको रख दीजिए जिससे कि ये अच्छी से फिक्स हो जाएं। अब हम एक बोतल की कैप लेंगे। ये मैंने कलर्स के बोतल जो होते हैं ना, जो वाटर कलर की बोतल्स होती हैं, वो मेरे पास खाली हो गई थी तो मैंने उसकी कैप यूज़ करी है। और इसके भी बैक साइड में हम फेविकॉल लगा के और इस मटकी के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। अब ये मटकी अच्छी तरह से फिक्स हो गई है। अब आप इसके ऊपर अपनी चॉइस का कोई भी कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया है। अब इसके बाद आप कोई भी डेकोरेशन मटेरियल यूज़ करके इस मटकी को अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मौली होती है वो यूज़ किया है, और उसको इस मटकी में चारों तरफ लपेट के और डेकोरेट करा है। अब इसके बाद इस मटकी का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये बीड्स यूज़ किए हैं। आप और भी कोई डेकोरेशन इस पर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ये इसके बाद मेरे पास ये दो पाइप क्लीनर थे, जिनको मैंने इस मटकी में चारों तरफ वायर की तरह लपेट के और डेकोरेशन के लिए यूज़ किया। करिए जो मटकी के ऊपर जो हमने ऊपर कैप लगाई थी उसके चारों तरफ और बीच में हम कॉटन को अप्लाई करेंगे, जिससे कि मटकी में माखन का लुक दिखाई देगा। अब ये देखिए हमारी मटकी कितनी सुंदर लग रही है। अब इसको हम अपनी जन्माष्टमी डेकोरेशन में यूज़ करेंगे।